अगर आप भी अपने घर में सोना रखते हैं यानी कि गोल्ड रखते हैं, तो अब आप एक लिमिट में ही अपने घर में गोल्ड रख सकते हैं क्योंकि नए नियम बन चुके हैं। और अगर आपने लिमिट क्रॉस की, लिमिट से ज्यादा सोना अगर आपके घर में मिला और इनकम टैक्स की रेड पड़ गई, तो वो बाकी सोने को जब्त कर सकते हैं क्योंकि गोल्ड को लेकर नए नियम बन चुके हैं। तो आप अपने घर में कितना सोना रख सकते हैं और अगर लिमिट से ज्यादा सोना आपके घर में पाया जाता है तो कैसे आप इनकम टैक्स की नजरों से उसको छुपा सकते हैं, सारी ट्रिक आज आपको बताने वाले हैं। देखिए पहले ये जान लेते हैं कि आप घर में कितना सोना रख सकते हैं। तो हम घर में जो सोना रख सकते हैं ना, पहली चीज ये बता दी कि अगर हमारे घर में कोई महिला है और वो महिला अगर शादीशुदा है, अगर कोई शादीशुदा महिला है, तो वो अपने पास में जो है वो 500 ग्राम तक सोना रख सकती है, बोले तो आधा किलो, बोले तो 50 तोले सोना रख सकती है। अगर कोई शादीशुदा महिला, जैसे अपनी माँ होगी, चाची होगी, ताई होगी, भाभी होगी, वाइफ होगी, तो वो क्या है, आधा किलो सोना रख सकती है अपने पास में। यहाँ तक उससे कोई सवाल जवाब नहीं पूछा जाएगा। अगर अपने घर में कोई ऐसी महिला है जो शादीशुदा नहीं है, शादीशुदा नहीं है, जैसे अपनी बहन होगी, वो अपने पास में 250 ग्राम तक सोना रख सकती है, बोले तो कितना, 25 तोले पहिया सोना रख सकती है। कोई जवाब देह नहीं होगी कि बहन जी कहाँ से लेके आई हो। और अगर कोई पुरुष है जो शादीशुदा है, अपने घर में पुरुष है जो शादीशुदा है, तब वो अपने पास में सिर्फ 100 ग्राम सोना रख सकता है, बोले तो 10 तोले। और अगर कोई अनमैरिड पुरुष है अपने घर में, जैसे छोटा भाई हो गया, ठीक है, या कोई बड़ा भाई हो गया जो अभी तक मैरिज उसने नहीं की, कोई अनमैरिड पुरुष है जिसने शादी नहीं की है, पुरुष है और शादीशुदा नहीं है, सुदा नहीं है, वो भी अपने पास में 100 ग्राम तक सोना रख सकता है, बोले तो 10 तोले। तो घर के अंदर कितना सोना हो गया, आप इसको जोड़ सकते हो, आप सिर्फ अब घर में इतना सोना रख सकते हैं। वैसे तो इतना सोना रखना एक मिडिल क्लास व्यक्ति के बस की बात नहीं है, क्योंकि भाई देख लो कितना हो जाता है, तकरीबन 1 किलो के आसपास सोना हो जाता है, 450 ग्राम ये हो गया, 500 ग्राम ये, 950 ग्राम, तो तकरीबन 1 किलो सोना रखना बहुत बड़ी बात होती है घर के अंदर, ठीक है। तो एक मिडिल क्लास फैमिली शायद इतना सोना नहीं रख सकती अपने पास में, लेकिन एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया है इनकम टैक्स वालों ने कि अब आप घर में इतना सोना ही रख सकते हैं। इससे ज़्यादा सोना अगर आपके पास में पाया जाता है, फिर इनकम टैक्स क्या कर सकती है, आपसे जवाबदेही उस चीज़ की ले सकती है, छापेमारी कर सकती है। और अगर उनको कोई सॉलिड जवाब नहीं मिला तो आप क्या कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, बाकी सोने को जब्त भी कर सकते हैं। तो ये कुछ नियम बना दिए, तो इतना सोना ही आप क्या रख सकते हो, घर के अंदर रख सकते हैं। महिला जो शादीशुदा नहीं है या फिर जो शादीशुदा महिला है उसके लिए अलग अलग चीज़ें बता दी, लेकिन पुरुष जो है चाहे वो शादीशुदा हो या नहीं हो, वो सिर्फ अपने पास में 100 ग्राम तक ही सोना रख सकते हैं। इसके अलावा अगर इससे ज़्यादा सोना आपके घर में मिल जाए, तो 1.25 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो अगर आपके घर में सोना मिल जाता है, तब ऐसे में हाँ वो भी तो हो सकता है ना भाई कि आपका जो फैमिली हो कंबाइन फैमिली है, भाई मेरे घर में तो एक मेरी मम्मी है, ताई भी और चाची भी है, तीन महिलाएं होगी, तो 1.5 किलो सोना तो उनका ही होगा। अगर आपकी कंबाइन फैमिली है यानी कि आपका जो लेन देन है अगर एक घर से चलता है, तो वो सारी चीज़ें जुड़ जाएगी। तो एक महिला का बताया, एक महिला 500 ग्राम रख सकती है, अगर आपके घर में 4 महिला है तो 500 ग्राम वो रख सकती हैं, ठीक है। लेकिन अगर लिमिट क्रॉस हो जाती है, तब ऐसे में अब आप उस चीज़ से कैसे बच सकते हैं, तो उसका एक बिल्कुल आसान तरीका है। अगर लिमिट क्रॉस हो जाती है और आपके घर कोई ऐसा नोटिस आता है या फिर आपसे पूछा जाता है कि बाकी सोना आप कहाँ से लेके आए, यानी कि कैसे आपने प्राप्त किया, तब अगर आप उसका जवाब दे देते हैं कि वो सोना आपने खरीदा है, पर खरीदा है अपने नेट प्रॉफिट से, नेट प्रॉफिट मतलब कि आपने जहाँ से भी कोई कमाई की है और उस कमाई के ऊपर अगर आप पहले से टैक्स दे चुके हो, टैक्स देने के बाद जो आपकी नेट अमाउंट बचती है उससे आपने जो खरीदा है वो सोना खरीदा, लाइक जैसे मैंने 1 साल में 10 लाख रुपया कमाया, 10 लाख पे मैंने टैक्स दे के मेरे पास में मान के चलते 9 लाख रुपए बच गए। अब जो 9 लाख है ना वो मेरी टैक्स फ्री अमाउंट है, अब उससे मैं भाई कुछ भी खरीदूँ, तो वो सोना अगर मैंने उस अमाउंट से खरीदा भले इससे ज़्यादा हो चुका है, तो फिर इनकम टैक्स वाले मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मेरे सोने का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर मेरे को सोना विरासत में मिला है, यानी कि भाई मेरे जो दादा परदादा थे वो बड़े बड़े राजा महाराजे थे, माट के माट रखे थे सोने के, अब आगे से आगे ऐसे ट्रांसफर होके मिला है, तो फिर वो लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि मेरे को विरासत में मिला है। या फिर वो जो सोना है वो मैंने खरीदा है, पर खरीदा है मेरी कृषि आय से, यानी कि मैं किसान हूँ और किसान मैंने भाई अपना फसल उगाई 10-15 लाख रुपये का, मैंने फिर सोना खरीद लिया, तो कृषि के अमाउंट से अगर हम कोई सोना खरीदते हैं तो उसका भी कोई जवाबदेही नहीं बनता है। लेकिन अगर हमारे पास में कोई ऐसा जवाब नहीं है तो उसका बचा हुआ जो यानी कि इस क्राइटेरिया से बाहर का जो सोना है वो क्या कर सकते हैं, इनकम टैक्स वाले छापा मार के उसको जब्त कर सकते हैं अगर हमारे पास में जवाब नहीं मिला तो। तो ये कुछ चीज़ें बताई गई हैं, लेकिन एक चीज़ और भी है, अगर आप अपने पास में सोना रखते हैं और कुछ टाइम बाद अगर आप सोने को बेचते हैं, तब भी बेचने के टाइम भी आपको टैक्स देना पड़ता है।
उसके लिए भी कुछ रूल बनाए हुए हैं इनकम टैक्स के अंदर। वो ये बनाए हैं कि अगर आपके पास में कितना भी सोना है और अगर आप जिस दिन आपने वो सोना खरीदा था उस दिन से लेके अगर आप 3 साल के अंदर अंदर उस सोने को बेच देते हो तब आपके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से टैक्स लग सकता है जी। अगर 3 साल के अंदर अंदर और अगर आप 3 साल के बाद उस सोने को बेचते हो तब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से, और अगर 3 साल के बाद अगर आप सोने को बेचते हो तब आपके ऊपर 20% प्लस में सरचार्ज होता है वो लग जाएगा जी। यानी कि इतना टैक्स आपको गवर्नमेंट को देना पड़ सकता है अगर आप ऐसे सोने को बेचने का सोच रहे हैं या फिर बेचते हैं तो। तो अगर आपके पास में जितना भी सोना है आप उसको सेफ रखो, अपना पहनो, ज्वेलरी बनवाओ, ठीक है, शो ऑफ करो, जो भी है। लेकिन अगर आप उसको बेचने का सोचेंगे ना तो आपको 3 साल बाद जिस दिन आपने खरीदा उस दिन से 3 साल के बाद अगर आप बेचेंगे तो 20% टैक्स आपको देना पड़ सकता है प्लस में जो सरचार्ज होगा वो। अब इसकी गणना कैसे होती है, कैसे पता चलेगा कि मैंने 3 साल पहले खरीदा था? हाँ, 3 साल से पहले बेचेंगे तो उसका फिक्स परसेंटेज नहीं है, वो देखा जाता है कि कितना सोना आपने यूज किया उस हिसाब से आपके ऊपर टैक्स लगाया जाता है, उस सोने के ऊपर लगाया जाता है। अब ये कैसे पता चलता है कि 3 साल पहले सोना खरीदा गया था या 1 साल पहले या 2 साल पहले? आपने सुना होगा कुछ साल पहले सरकार ने क्या किया था, हॉलमार्क का सोना कंपलसरी कर दिया था। यानी कि पहले जो सोना मिलता था ना आज से 10 साल 15 साल पहले कच्चा सोना कि गए और दुकान से खरीद लिया, किसके नाम बिल है क्या है कुछ नहीं पता, फिर सरकार ने किया था हॉलमार्क कि आप हॉलमार्क का सोना खरीदिए, जितने में आप खरीद रहे हो उतने में कल का आपको बिक जाएगा। अब उस लालच में क्या किया सरकार ने, वो हॉलमार्क का सोना बेचना स्टार्ट कर दिया कि जितने का आप खरीदेंगे ना उतने का ही बिक जाएगा, और उस हॉलमार्क का एक नंबर जो है वो आपके नाम पे इशू हो जाता है और उसी नंबर पे क्या होता है आपका बिल बन जाता है। तो उस नंबर से पता चल जाएगा कि ये जो सोना है उस टाइम खरीदा हुआ था, यानी कि इसका जो बिल कटा है उस हिसाब से आपके ऊपर फिर टैक्स लगाया जाता है। लेकिन अगर आपको टैक्स बचाना हो तो इसका भी एक सोल्यूशन है, एक इनकम टैक्स का एक रूल है, इनकम टैक्स एक सेक्शन है, इनकम टैक्स 54F। 54F ये कहता है कि अगर आप सोना बेचते हैं 3 साल के बाद भी अगर आप सोना बेचते हैं और उसके ऊपर जो टैक्स लगता है अगर आपको वो बचाना है तो ये सेक्शन आपकी मदद करता है। ये सेक्शन आपकी ऐसे मदद करता है कि अगर आप सोने को बेच के अगर आप अपने लिए कोई जमीन खरीद रहे हैं रहने के लिए, कोई भी प्लॉट या कोई भी मकान अगर आप खरीद रहे हैं रहने के लिए, तब आपको वो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये सिर्फ मकान के लिए एग्जेम्प्ट है, ठीक है, सिर्फ मकान के लिए। यानी कि अगर आपके पास में कोई रहने के लिए कोई मकान नहीं है, आपके पास सोना है और सोना बेच के अब आप मकान लेना चाहते हैं पर आप टैक्स नहीं देना चाहते, अगर आप सारा वो जो सोने का जो माल जो आया है वो सब मकान पे लगा देते हैं तब आपकी अमाउंट जो है टैक्स फ्री हो जाएगी। तो सोने के लिए कुछ नए रूल हैं, अगर आपके पास में घर में इतना सोना रखा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, कोई पूछताछ नहीं है। इससे ज़्यादा अगर सोना आपके घर में मिला तो आपसे पूछताछ हो सकती है, जवाबदेही आपकी बनेगी और जवाबदेही में आप ऐसे जवाब बना के दे सकते हैं, इस चीज़ का आपको रिपोर्ट देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप सोना बेचने की सोच रहे हैं तो बेचते टाइम आपके ऊपर टैक्स लग सकता है, 3 साल से पहले बेचेंगे तो कोई क्राइटेरिया नहीं है, 3 साल के बाद बेचेंगे तो 20% तक आपको टैक्स देना पड़ सकता है प्लस में इसके ऊपर जो सरचार्ज होगा वो एक अलग चीज़ है। और अगर आप इसको भी बचाना चाहते हैं तो आप उस सोने को बेच के आप बदले मकान खरीद लीजिए, फिर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो गोल्ड को लेके कुछ नए रूल हैं, शायद उम्मीद करूंगा आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी, और अगर ये अच्छी जानकारी आपको लगी है तो इसको लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं अच्छी लगी तो इसको डिसलाइक कर लीजिए। किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट कर सकते हैं किस टॉपिक पे हमको जानकारी चाहिए, हम आपको जानकारी बना के दे देंगे। तो थैंक यू माय डियर, फिर मिलते हैं किसी कंटेंट के साथ में, उस कंटेंट के साथ में जो आप चाहो और आप क्या चाहते हो, कमेंट बॉक्स खुला है। थैंक यू।